नमस्कार दोस्तों, रेस क्वेश्चन अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक श्रृंखला प्रारंभ किया हुआ है, जिसमें विशेषण और विशेष टॉपिक पर हम लोगों ने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उस टॉपिक के बारे में अध्ययन किया हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक से अब तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को देखने का प्रयास करेंगे, जिससे टॉपिक से पूछे जाने वाले सवालों के आयाम, उसके स्तर और कठिनाई इत्यादि को समझा जाना संभव हो सके और इस टॉपिक से आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों को हल करना आसान हो सके। तो हम लोग एक एक करके इस टॉपिक से संबंधित सवालों को देखने का जो है प्रयास करते हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है वो ये है कि चौथाई शब्द विशेषण है। चौथाई शब्द देखा जाए तो ये जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे विशेषण और विशेष्य का, तो वहाँ पे उसके प्रकार में एक प्रकार हम लोगों ने पूर्णता के आधार पर देखा था, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। तो ये चौथाई शब्द जो है वो अपूर्णांक श्रेणी में आता है। इसका उत्तर डी होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये जो है पूर्णांक में आते हैं और चौथाई, आधा, ये सारे जो है स्थिति वो अपूर्णांक बोधक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जिस विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, तो ये तो विशेष है, इसके हम परिभाषाओं में ही जो है इसको देख लिया था। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, जैसे मधुर फल, कर्मठ व्यक्ति, आसीन व्यक्ति, लेकिन अग्नि यहाँ पे इस तरीके से नहीं है, अर्थात यही जो है इसका उत्तर होगा और यही विशेष्य की श्रेणी में आएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि ठंडा पानी शब्द, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है वो विशेष्य है। यहाँ पे ठंडा शब्द जो है वो विशेषण है, क्योंकि यह जो है पानी की विशेषता बताता है, अर्थात पानी ही इसका जो है सही उत्तर होगा, जो कि विशेष्य होगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प ए यानी कि अनासक्ति होगा। आन और एक दूसरा शब्द है अनासक्त, तो ये जो है आसक्त है या अनासक्त, ये विलोम के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, विलोम से विशेषण और विशेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये अनासक्त व्यक्ति हो सकता है, अनुशंसित पत्र हो सकता है, अपमानित व्यक्ति हो सकता है। तो कहने का मतलब ये तीनों शब्द किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं और जो विशेषता बताता है वो विशेषण हो जाता है, अर्थात यहाँ पे पृथक शब्द जो अनासक्ति है वही इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, पौष्टिक नहीं होगा क्योंकि पौष्टिक जो है वो भोजन हो जाता है, इसी तरीके से भावुक व्यक्ति हो जाता है, विषाद, इसका प्रयोग इस रूप में हम लोग नहीं कर पाएंगे और विषाद ही इसका सही उत्तर होगा, पाठकीय भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प डी यानी कि विषाद होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का, ये तो हम लोगों ने गुणवाचक विशेषण के जो प्रकार में जो है देख लिया था, तो इसका सही उत्तर गुणवाचक शब्द होता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि तुम कहाँ पढ़ते हो किस कोटि का प्रयुक्त विशेषण है, तुम कहाँ पढ़ते हो किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ, कहाँ पढ़ते हो, यह एक प्रश्नवाचक स्थिति, अर्थात इसका जो उत्तर होगा वो प्रश्नवाचक होता है। यद्यपि हम लोग लेक्चर में जो है प्रश्नवाचक विशेषण के बारे में अध्ययन नहीं किया हुआ था, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार विशेषण के कई प्रकार ऐसे हो सकते हैं जो परीक्षा में पूछे जाएं, तो वहाँ पर इन सभी सवालों को हल करने लेने से जो है आपको परीक्षा में उत्तर निकालने में और उत्तर तक पहुँचने में जो है आसानी होगी। अतः इस जो सवाल में विशेषण को पूछा गया है वो प्रश्नवाचक विशेषण यानी कि विकल्प संख्या बी सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, तो लोभी शब्द जो है वो लोभ से बना हुआ है, लोभी शब्द लोभ से बना हुआ है, जो कि संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण की श्रेणी में आता है, विकल्प संख्या ये इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि युग्म विशेषण नहीं है,
छोटा बड़ा जो है, जैसे छोटा वृक्ष बड़ा वृक्ष हो गया, हरा पीला कपड़ा हो गया, दो तीन आम या सेब हो गया, तो राम लक्ष्मण इसमें नहीं होगा विशेषण विशेष, यही जो है विशेषण नहीं होगा, यही इसका उत्तर होगा। अगला सवाल है कि दुधला शब्द में विशेषण है, ये तो गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि गुणवाचक विशेषण की जब विशेषता बताई जा रही थी तो हम लोगों ने ऐसे सवालों को भी, ऐसे शब्दों को भी देखा था जो गुणवाचक विशेषण के 7 प्रकारों में सम्मिलित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो गुणवाचक विशेषण होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि सरीखा शब्द में विशेषण है, सरीखा शब्द में जो है वह विशेषण है। जब हम लोग गुणवाचक विशेषण को देख रहे थे तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो है 7 प्रकार के जो है विशेषणों में जो 7वां विशेषण था वो सादृश्यवाचक था, जिसमें सा शब्द जुड़ा होता था। जैसे कोई भी शब्द है जिसमें सा जोड़ दिया जाता है वो सादृश्यवाचक विशेषण, जो कि गुणवाचक विशेषण का एक जो प्रकार है, अर्थात इस सवाल का उत्तर यही होगा। जिसमें भी सा शब्द जुड़ा होगा, जिसमें भी जो है सा शब्द जो है जुड़ा होगा, वो इसी प्रकार की श्रेणी में आएगा, अर्थात सरीखा शब्द का में जो विशेषण पूछा गया है वो गुणवाचक विशेषण होगा। अगला शब्द है वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है, वाक्य में कौन सा विशेषण है वह नौकर, यानी कि नौकर शब्द की जो विशेषता बता रहा है वह शब्द बता रहा है वह विशेषण होगा, और वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण का एक सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में आएगा। वह नौकर नहीं आया, और यहाँ पे वह शब्द ही विशेषता बता रहा है जो कि सर्वनाम के रूप में है, और सर्वनाम का यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, अर्थात वह सार्वनामिक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है कि तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा शब्द में विशेषण है, ये क्रमवाचक विशेषण के रूप में आएगा, क्रमवाचक विशेषण के रूप में यहाँ पर ये पूछा गया है। यद्यपि ये जो है विशेषण के जो 4 प्रकार हैं उसमें तीसरा संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आता है। संख्यावाचक विशेषण में कई प्रकार के जो विशेषण होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक और प्रतीकवाचक, तो ये क्रमवाचक जो है विशेषण पहला दूसरा तीसरा ये जो है क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, और संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हम लोगों ने इसे जो है विस्तृत रूप में अध्ययन किया हुआ है, इस पर चर्चा किया हुआ है। तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। संख्यावाचक अपने आप में जो साथ है इसमें किसी भी तरीके के जो है कोई समस्या नहीं है, तो हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, ये तो रंगवाचक विशेषण है, रंगवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण के एक प्रकार है, इसलिए इसमें जो है गुणवाचक विशेषण है। अगर रंगवाचक दिया होता तो हम रंगवाचक पर सीधा करते, लेकिन रंगवाचक है नहीं इसलिए हम गुणवाचक विशेषण को इसमें लगाएंगे। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो विशेषण शब्द तो इसमें 5वां अपने आप दिख रहा है, बाकी और शब्द हो ही नहीं सकते। 5वां शब्द जो है ये क्रमवाचक विशेषण यानी कि संख्यावाचक विशेषण के एक प्रकार के रूप में है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि ऋषि शब्द का विशेषण शब्द क्या बनेगा, ऋषि का आर्ष होता है, ये तो किताबों में स्पष्ट रूप से नोट्स में लिखाया भी गया है और इस पर चर्चा भी किया जा चुका है, तो ऋषि का आर्ष होता है विशेषण, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, जैसे भयभीत व्यक्ति, तो भयभीत शब्द व्यक्ति की विशेषता, निर्भीक व्यक्ति निर्भीक शब्द व्यक्ति की विशेषता बताएगा, भीरु व्यक्ति भीरु व्यक्ति की विशेषता बताएगा, लेकिन भय शब्द जो है इस रूप में नहीं है, अर्थात यही इसका उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, प्रतिभा संपन्न छात्र को हम लोग मेधावी भी कह सकते हैं, अर्थात यही इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में विशेष्य पद है, विशेष्य पद पूर्व में भी ये क्वेश्चन आया है, अग्नि होगा इसका, क्योंकि जैसे है अनुरागी व्यक्ति, अनादृत व्यक्ति, अपमानित व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अग्नि के लिए ऐसा नहीं होगा, और यही अग्नि इसका जो है विशेष पद होगा, और सारे शब्द जो है वो किसी न किसी स्थिति व्यक्ति वस्तु की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात वो विशेषण हो जाएंगे।
अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में विशेष्य पद है अग्नि, अभी जैसा कि पूछा ही गया है, ये सवाल दो बार हमें लगता है रिपीट हो गया है, खैर इसका भी उत्तर अग्नि ही है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य है, घर आदमी वस्त्र, घर आदमी वस्त्र, ये तो दिखाई पड़ रहा है कि बड़ा शब्द घर की विशेषता बता रहा है, छोटा आदमी की विशेषता और नीला वस्त्र की विशेषता बता रहा है, अर्थात सी इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ इसमें हम बढ़ेंगे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, वह बहुत थक गया है, अभी अभी गया है, अंदर बैठा है, अभी भली बात, थकना शब्द जो है यहाँ पे आया हुआ परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में इसे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है, श्रेष्ठ शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है किसकी, उपासक की, तो जाहिर सी बात है कि ये श्रेष्ठ शब्द जो है वो विशेषण होगा और उपासक शब्द जो है यहाँ पे वो विशेष्य होगा, श्रेष्ठ जो है विशेषण होगा और उपासक शब्द जो है वो विशेष्य होगा, क्योंकि श्रेष्ठ ही उपासक की स्थिति और विशेषता को बता रहा है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं। भले और महान लोग, यहाँ पर भले शब्द जो है और महान, ये दोनों जो है विशेषण हैं, ये लोग जो है ये विशेष्य हो जाएगा। उचित और संयमित, उचित और संयमित, उचित शब्द और संयमित शब्द भी विशेषण है और व्यवहार शब्द जो है वो विशेष्य है। तो इस वाक्य में जो है चार जो है विशेषण और दो विशेष्य आते हैं, यानी कि भले और महान दो यहाँ पे हो गए, उचित और संयमित दो शब्द जो है ये विशेषण के रूप में हो गए, तथा लोग और व्यवहार इसकी विशेषता बता रहे हैं ये चारों शब्द, तो चार विशेषण और दो विशेष इसमें आएंगे। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जा रहे हैं वर्तमान समय में, जिसे देख लेना और समझ लेना आवश्यक है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी, अधिक जो है वो दूध की विशेषता बता रहा है, अधिक शब्द जो है यह गाय अधिक दूध, यानी कि कम दूध, ज़्यादा दूध, अधिक दूध, तो कहने का मतलब अधिक शब्द जो है वो विशेषण है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की जो है विशेषता बता रहा है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयुक्त शब्द में जो है विशेषण है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयुक्त शब्द में विशेषण है, तो विद्वान व्यक्ति में प्रयुक्त विशेषण जो है वो विद्वान है, जो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, और ये गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आता है। तो अगले शब्द की तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है, जैसे उत्कृष्ट पुस्तक, निकृष्ट व्यक्ति, धृष्ट व्यक्ति, विषाद शब्द नहीं होगा, ये पूर्व में भी पूछा गया है, तो यही विशेषण नहीं है, यही इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए, सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ही सज्जन व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, सुकुमार बालक हो सकता है, तीनों विशेषता बता रहे हैं, और जो नहीं है यानी कि मानस इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है, आगामी, वर्ष, शांत व्यक्ति, काला अक्षर, ये तीनों विशेषता बता रहे हैं, तो ये तो विशेषण हो जाएंगे, तुम शब्द नहीं होगा, क्योंकि तुम जो है वो सर्वनाम के रूप में हो सकता है, या तुम शब्द जो है वो किसी की विशेषता जो है नहीं बता रहा है या नहीं बता सकता है, इसलिए जो है ये विशेषण नहीं होगा, अन्य तीनों ही शब्द जो है किसी न किसी स्थिति, व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं, इसलिए वह विशेषण होंगे।
अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से विशेषण पद है, निम्नलिखित में से विशेषण पद है, उपासना की जाती है तो ये विशेषता नहीं बता रहा है, इस तरीके से उद्गार होता है, वंदना की जाती है, ये नहीं होंगे तो जो शब्द बच रहा है वही विशेषण होगा, क्योंकि ये शब्द जो है यहाँ पे विशेष्य के रूप में आए हैं। जैसे उपासना, मंदिर में उपासना किया जाता है, तो यहाँ पे उपासना शब्द विशेषता नहीं बता रहा है। ज्वालामुखी में उद्गार हो रहा है तो ये भी नहीं बताता है, वंदना की जाती है उसमें भी नहीं बताता है, तो ये आयत लोचन शब्द ही सो इसका जो है विशेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, यानी कि विशेष कुटिलता, जटिलता, कुरूपता, ये शब्द जो है विशेषता बताते, जबकि कौटिल्य ऐसा विशेषता नहीं बताता है, अर्थात कौटिल्य ही इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, लड़का आया, वह गुलाब के फूल लाया है, लड़का आया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया। नीचे दिए गए, लिखा है कि नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर देखना है कि ऐसा वाक्य जिसमें कि जो है कोई न कोई संकेत कर रहा है, कोई न कोई किसी की व्यक्ति की विशेषता स्थिति को बता रहा है, वही इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर डी विकल्प में वह शब्द जो है वह लड़के की तरफ संकेत कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण प्रयोग हुआ है, अर्थात विकल्प संख्या डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। जैसे अन्य प्रश्नों में गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसमें कोई भी शब्द गुलाब की नब जैसे लिखा होता है कि लाल गुलाब मुझे पसंद है, तो लाल शब्द विशेषता, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ, अर्थात वह सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में आएगा, विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। जैसे सुगंधित ये जो है विशेषण है, कस्तूरी की विशेषता बता रहा है, ऐसे होगा लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों, तो लोभी जो है हो गया, शिकारी जो है वह विशेष्य हो गया, इसी तरीके से राजस्थानी और हिरणों का जो है अवैध शिकार करते हैं, तो अवैध जो है यहाँ पे ये हो जाएगा विशेषण और शिकार जो है वो विशेष्य। तो अब इसमें आ रहा है, जैसे राजस्थानी शब्द आया तो ये हम लोग स्थानवाचक जो विशेषण, जैसे पंजाबी है, राजस्थानी है, अमेरिकी है, तो ये शब्द जो है स्थान वाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जो कि हम लोग गुणवाचक विशेषण में पढ़ते थे। तो इसमें जो है चार विशेषण और चार विशेष दिख रहा है, वाक्य संख्या सी, विकल्प संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता, एक तो समुद्री हो गया विशेषण, सांप जो है विशेष हो जाएगा, घातक परंतु बहुत कीमती जहर, अर्थात इसमें जो है समुद्री शब्द, घातक शब्द, कीमती शब्द, ये तीन जो है विशेषण हैं, और जहर और सांप ये विशेष हैं। यहाँ पर ये एक ध्यान में रखना होगा, बहुत शब्द भी आया है, जो कि बहुत शब्द जो है कीमती की विशेषता बता रहा है, और विशेषता की विशेषता यानी कि विशेषण का विशेषण जो बता रहा है वो प्रविशेषण होगा, जो कि विशेषण नहीं होगा, अर्थात हम जब विशेषण की बात करेंगे तो विशेषण में प्रविशेषण को नहीं जोड़ेंगे, अर्थात यहाँ पर तीन विशेषण और दो विशेष आएगा, ये दब कन्फ्यूजन के लिए, वहाँ पे चार विशेषण और दो विशेष का भी विकल्प है, लेकिन जब विशेषण पूछा है तो हम विशेष पर विशेषण को उसमें नहीं जोड़ेंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि दशरथ के प्राण राम के लिए व्याकुल थे,
वाक्य में मुख्य विशेष्य है। अगर हम इसमें इतना निकाल देते हैं तो भी वाक्य पूर्ण होगा कि दशरथ के प्राण आकुल थे। अब यहाँ पर राम के लिए इसको आगे भी किया जा सकता, राम के लिए दशरथ के प्राण व्याकुल थे, यानी कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो वाक्य में मुख्य विशेष जो है वो दशरथ होंगे, यानी कि विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग, राम और श्याम भाई हैं इसमें नहीं, राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने रोटी खाकर मांगी, ये विकल्प जो डी है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि क्रिया के द्वारा भी विशेषण जो है बनता है। हम लोग जब विशेषण की रचना पढ़ रहे थे तो क्रिया के द्वारा भी विशेषण, यानी कि रोटी खाकर रोटी मांगी, विकल्प संख्या डी इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। तेज शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि तेज जो है दौड़ने की विशेषता बता रहा है, अर्थात ये क्रिया विशेषण है। यद्यप हमारे टॉपिक में नहीं, लेकिन विशेषण के टॉपिक में यह से भी इस क्वेश्चन को रखा गया है तो इसको भी देख लेना जरूरी है। तेज शब्द इसमें क्रिया विशेषण होता है, क्योंकि दौड़ने की विशेषता तेज शब्द जो है वो बता रहा है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, गीला शब्द है, गीला शब्द जो है गुणवाचक विशेषण की स्थिति में आएगा, और हम लोगों ने गुणवाचक विशेषण के जो प्रकार पढ़ा था उसमें दशावाचक भी एक विशेषण का प्रकार था, जिसमें जो कि गुणवाचक श्रेणी में आता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि दोनों शब्द हैं, दोनों तो समुदायवाचक विशेषण है, तो हम लोगों ने संख्यावाचक विशेषण का जो है जब वर्गीकरण पढ़ा था तो उसमें स्पष्ट इसको देखा था, इसको समझा था। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन विशेष्य है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो विशेष्य है, आकाशीय पिंड, आराध्य, देवता, आश्रित व्यक्ति, इसमें आकाश यही जो है विशेष्य की श्रेणी में है, जबकि सभी का जो है प्रयोग किया गया और सभी शब्दों के द्वारा किसी न किसी स्थिति व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताई जा सकती है। तो ये जो है प्रश्न विशेषण की श्रेणी में नहीं आएगा और आश्रित ही विशेष होगा, आकाश ही इसका जो है विशेष होगा, आकाश ही विशेष होगा, इस सवाल का जो है यही सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष है, कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा इस वाक्य में विशेष्य है। यहाँ पे कृशकाय शब्द जो है वो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, और जिसकी विशेषता बताया जाता है वही जो है विशेष्य होता है, विकल्प संख्या ए इसमें इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जिन विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे ही जो है, जिस शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, संज्ञा शब्द की व्याप्ति मर्यादित होती है वो विशेषण कहलाता है, यानी संज्ञा जो है वो विशेष के रूप में आता है, और वह शब्द जो संज्ञा से संबंधित होता है वो विशेषण के रूप में आएगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है वो विशेषण होता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, ये तो पाँचवा है, इसमें किसी तरीके का कोई समस्या ही नहीं है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे जो है चलना, चलने की विशेषता धीरे धीरे शब्द बता रहा है, इसलिए यही क्रिया विशेषण होगा। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ये प्रतिदिन जो है दिन से संबंधित है, कालवाचक विशेषण के रूप में आएगा, यही जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, कविता परिश्रमी युति है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी
महिलाओं का अस्पताल है। देखिए यहाँ पर यही जो शब्द है वो अस्पताल के लिए आया हुआ है, इसलिए यह शब्द जो है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो ये वाक्य जो है इस तरीके से होना चाहिए कि यही अस्पताल सरकारी महिलाओं का है या सरकारी महिलाओं का यही अस्पताल। तो यहाँ पे बीच में सरकारी महिलाओं ये शब्द नहीं आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कि यही अस्पताल सरकारी महिलाओं का है, अर्थात विकल्प संख्या सी सही उत्तर है, जो कि गलत के रूप में पूछा गया क्योंकि यह वाक्य गलत है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण के कितने भेज हैं? यद्यपि ये विभिन्न प्रकार की किताबों में हमारा अलग अलग तरीके से इसका उत्तर मिलता है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना होगा कि परीक्षा में अब तक पूछा भी जा चुका है जहाँ पे 7 माना था। हमने भी लेक्चर में जो है आप लोगों को 7 प्रकार के गुणवाचक विशेषण के बारे में बताया, तो सामान्यतः आपको 7 प्रकार याद करना होगा, जो कि इसका सही उत्तर यहाँ पर है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए गए हैं, जिनमें एक शब्द नहीं है उसे चयनित कीजिए। गुणवाचक विशेषण सुगंधित, ये सही है। परिमाणवाचक ढाई है, सही है, जैसे 2.5 लीटर दूध। संख्यावाचक कोई, ये नहीं है, ये सार्वनामिक विशेषण में आता है, अर्थात यहाँ पे ये सही है, ये गलत है, और जो गलत है वही इसका सही उत्तर होगा क्योंकि पूछा है कि इसमें शब्द नहीं है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि नीली साड़ी में जो नीली रंगवाचक यानी कि गुणवाचक के अंतर्गत आता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अत्यंत शब्द में कौन सा विशेषण है? ये स्थान रीति काल से नहीं, जबकि परिमाणवाचक है, ये परिमाण से जो है जुड़ा हुआ शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक मैं बहुत थक गया हूँ, इससे संबंधित एक सवाल और भी पूर्व में पूछा गया है, अर्थात इसका यही सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पापी में कौन सा विशेषण है? पापी जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, यही इसका सही उत्तर होगा क्योंकि परिमाणवाचक सार्वनामिक संख्यावाचक में ये नहीं आता है। अगला सवाल है वह थोड़ा बीमार, ये भी परिमाणवाचक के अंतर्गत है, थोड़ा है, बहुत है, कम है, ज़्यादा, ये सब जो है परिमाणवाचक से जो है संबंधित विशेषण माने जाएंगे। अगला, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? विशेषण की श्रेणी में है, विशेषण विशेष टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी में आएगा। तो ये हम लोगों ने जो इसके प्रकार देखा था सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत, कि यहाँ पे जैसा काम यानी कि जैसा शब्द काम की विशेषता बता रहा है, वैसा शब्द दाम की, तो ये जो है सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है, ये विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही, धड़ाधड़ शब्द में शब्द का कौन सा रूप है? धड़ाधड़ शब्द जो है वो बिकने की विशेषता बता रही है, अर्थात ये जो है क्रिया विशेषण के रूप में आएगा। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, ये क्रिया विशेषण के रूप में जो है प्रयुक्त होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग, मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण है? मेरा घर, तो यहाँ पे मेरा शब्द जो है वो घर की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी, यहाँ पे कुशाग्र शब्द विशेषण है, विद्यार्थी की जो विशेषता बता रहा है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा, गुणवाचक है, इस पे हम लोगों ने देखा भी था। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, कुशाग्र कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक नहीं हो सकता, सार्वनामिक नहीं हो सकता, परिमाणवाचक नहीं हो सकता, तो कुशाग्र जो है वो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है और वह जो है गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आता है। अगले शब्द, एक विशेषण शब्द नहीं है, लजीला, लाडला, लापता व्यक्ति, लाडला बच्चा, लजीला व्यक्ति, लांछन शब्द जो नहीं होगा यही जो है विशेष होगा, ये तीनों ही शब्द जो है एक विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण होंगे। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है, वाक्य में विशेष्य, कठोर शब्द जो है हृदय की विशेषता बता रहा है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर मोम जैसा हृदय जो है मोम जैसा पिघल गया। अब यहाँ पे हृदय की विशेषता कौन बता रहा है? कठोर, क्योंकि उसका हृदय जो कैसा है, कठोर हो,
हृदय जो है, हृदय की विशेषता बता रहा है कठोर शब्द, क्योंकि कठोर से हृदय की स्थिति के बारे में पता चल रहा है कि वो कैसा हृदय है, कोमल है कठोर है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अशोक की कोई विशेषता नहीं बता रहा है, मोम की कोई विशेषता नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे कठोर शब्द जो है वो विशेषण है और हृदय शब्द जो विशेष है, वाक्य में विशेष पूछा है, तो हृदय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, जैसे भव्य महल, तो ये तो विशेषण है। सर्वकालिक, श्रव्य गीत, गर्व शब्द जो है वो नहीं होगा, यही इसका सही उत्तर है और यही विशेष के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, जो कि विशेषण नहीं है, और विशेषण नहीं है तो वही उसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी है, वह परिश्रमी भी है, वह शब्द परिश्रमी की विशेषता बता रहा है, वह लड़का की विशेषता, वह प्रबुद्ध की, लेकिन वह विद्यार्थी है, इसमें जो है कोई भी वह शब्द जो है उस सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ, अर्थात विकल्प संख्या ये इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो चुके, तो करुण और भक्त वत्सल यही दो शब्द जो है इसमें आ रहे हैं। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो चुके, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से, विशेष से पूछा है, तो यहाँ पर पुकार शब्द होगा और भगवान शब्द होगा, पुकार शब्द होगा और भगवान, क्योंकि भगवान की विशेषता जो बता रहा है भक्त वत्सल और पुकार की विशेषता बता रहा है करुण, तो यहाँ पे पुकार और करुण दोनों ये जो है विशेष होंगे, तो पुकार और भगवान, विकल्प संख्या डी इसका सही उत्तर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये पूछा होता कि विशेषणों की दृष्टि से, तो विशेषणों की दृष्टि से करुण और भक्त वत्सल हो जाता, यद्यपि करुण और भक्त वत्सल ये कोई विकल्प में भी नहीं आया हुआ है और यहाँ पे पूछा भी गया है कि वो विशेष्य कौन सा है, तो हमें विशेष्य अगर खोजना है तो विशेष्यों के रूप में पुकार और भगवान का जो विकल्प है, यानी कि विकल्प संख्या डी इसका जो है सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगाती, में वाक्य में कितने विशेष हैं? भोले जो है, और ये तो विशेषण हो गया, बालक की विशेषता बता रहा है, क्रूर डाकू ये जो है विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया, कठोर हृदय, हृदय हो गया, कोमल भावना, तो यहाँ पर भोले शब्द विशेषण है, क्रूर विशेषण है, वाक कठोर विशेषण है, कोमल विशेषण है, लेकिन सवाल में पूछा गया है विशेष, तो जिन पे अंडरलाइन है बालक, डाकू, हृदय, भावना, तो चार इसमें जो है विशेष शब्द प्रयोग में लाए गए हैं और चार ही विशेषण भी हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जिस भिखारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति, ये तो पूर्व में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विशेषण इसका सही उत्तर होगा, जिस शब्द से, वही शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताता, विशेषण हो गया। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, पुरानी शब्द जो है वो पुस्तक की विशेषता बता रही है, तो पुस्तक शब्द यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा और पुराना जो शब्द है वो विशेषण हो जाएगा, अर्थात इस वाक्य में पुस्तक शब्द जो है वो विशेष के रूप में है, क्योंकि पुरानी जो शब्द है वो पुस्तक की विशेषता बता रहा है।
अगला सवाल है कि यह चांदी खोटी सी दिखती, इस वाक्य में खोटी सी, यहाँ पे अभी हमने एक बार बोला कि जो है अगर किसी वाक्य के साथ जो सा शब्द आया हुआ है तो ये गुणवाचक विशेषण के रूप में आ जाता, क्योंकि गुणवाचक विशेषण के जो सातवां प्रकार था वो सादृश्यवाचक जिसमें सा शब्द जुड़ा होता है, अर्थात विकल्प संख्या ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, काली शब्द जो है वो वाक्य में काली शब्द है, काली शब्द विशेषण के रूप में आता है, क्योंकि काली जो है वो गाय की विशेषता बताता है कि राम की गाय बहुत काली है। बहुत जो शब्द है वो पर विशेषण होगा, क्योंकि वो बहुत जो है वो काली की विशेषता बताता है, और काली जो है वो गाय की विशेषता बताता है, गाय जो है वो विशेष्य हो जाएगी और काली शब्द जो है विशेषण हो जाएगा, यानी कि विकल्प संख्या डी सी इसका जो है सही उत्तर होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने लगभग 70 सवालों को जो कि विशेषण और विशेष्य टॉपिक से अब तक पूछा गया था उसको कवर करने का प्रयास किया, और इससे विशेषण और विशेष्य टॉपिक से पूछे जाने वाले सवालों के आयाम, उसकी गहराई और उसके कठिनाई के स्तर को समझने में आसानी होगी। अब इतना सवाल अगर हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, इतने सवालों पर चर्चा कर लिया, तो अब इससे बाहर सवालों के आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन को हल करने के बाद आपके काफ़ी कुछ समझ, काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे, और इसके पूर्व का जो लेक्चर हमारा विशेषण और विशेष्य पर उसके पारिभाषिक और अवधारणात्मक रूप में था उसका, और इस संकलित सवालों को हल करने के बाद परीक्षा में आपके लगभग सभी सवाल सही हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में हम नए एक टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।